हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। तो दोस्तों, नैनीताल से स्वागत है आपका। तो शाम का समय है और बड़ा ही खूबसूरत होता है शाम का समय। और यहाँ से आ रही हैं खूबसूरत सी महिलाएं शादी से। तो नीचे आंटी ने पिछौड़ा पहना है, बड़ा सुंदर लग रहा है। दिखाती हूँ थोड़ा सा। तो ये पिछौड़ा जो है, ये ट्रेडिशनल वेयर है हमारे कुमाऊं का। तो ऐसे कपड़े वपड़े पहन के तैयार होके आना और फिर ये चढ़ाइयाँ चढ़ना, ये बड़ा टफ काम होता है। बट क्या करें, पहाड़ में रहते हैं जो लोग, वो इन संघर्षों का सामना करते हुए चलते हैं। तो चलिए फिलहाल अभी चलते नीचे। तो दोस्तों, जो लोग बिल्कुल ही बजट ट्रैवलर्स हैं, उनके लिए मैं एक ऑप्शन दिखाती हूँ। यह है सामने द हिडन अबोर्ड। तो यहाँ पे कॉटेजेस है ना, तो यहाँ पे है कॉटेजेस अवेलेबल। एक में तीन रूम्स, क्या रेट है? 3000-4000। तो यहाँ पे कॉटेजेस अवेलेबल हैं, तो आप यहाँ पे आके स्टे कर सकते हैं। और भी ज़्यादा बजट ट्रैवलर्स हैं तो उनके लिए बिल्कुल स्टार्टिंग में दो होटल्स हैं। एक तो ये है होटल राधा, ये थोड़ा सा हल्का फुल्का कॉस्टली है। और बिल्कुल ही बजट ट्रैवलर्स जो मैं बता रही हूँ उनके लिए एक ये है सामने होटल चंद रिजेंसी, और एक होटल इधर है A1 होटल। तो यहाँ पे आप लोग ऑप्ट कर सकते हैं, जो जिनके पास बिल्कुल ही कम बजट हो वो लोग। तो आज चलते हैं बाज़ार के रास्ते, बड़ा बाज़ार नैनीताल, जो हमारी हेरिटेज मार्केट है। तो सारे टूरिस्ट को इस मार्केट में ज़रूर विज़िट करना चाहिए। मैं बार बार यही बोलती हूँ, लेकिन टूरिस्ट यहाँ तक पहुँच नहीं पाते हैं। तो मुझे लगता है कि मार्केट ज़रूर विज़िट करना चाहिए किसी भी एरिया का। यह है शाम की खड़ी मार्केट का नज़ारा, और ये देखें नवाब साहब यहाँ पे आराम फरमा रहे हैं बड़े मज़े से। तो चलिए चलते हैं अभी खड़ी मार्केट से, और ये दिखाते हुए चलती हूँ। यहाँ पर है नेगी रेस्टोरेंट, प्योर वेजिटेरियन। तो यहाँ पे आप मीठा ज़रूर टेस्ट कीजिएगा आके। यहाँ पे बढ़िया सा गुलाब जामुन और गाजर का हलवा और दूध मिलता है कढ़ाई वाला, बड़ा अच्छा, वो ज़रूर यहाँ पे टेस्ट कीजिए। तो दोस्तों, खड़ी मार्केट ख़त्म होते ही आती है गाड़ी पड़ाव वाली मार्केट, जहाँ पे बहुत सारे ऑप्शंस हैं खाने पीने के, वेज नॉन वेज दोनों तरीके के। तो यहाँ पे देखिए, जैसे ये है जोशी बालाजी वैष्णव भोजनालय, तो यहाँ पे प्योर वेज खाना है। और उसके नीचे वाली जो मार्केट है, जो एक्चुअल गाड़ी पड़ाव वाली मार्केट है, यहाँ पे बड़ी रौनक सी रहती है। और यहाँ पे आपको अलग अलग वैरायटीज़ मिल जाएंगी, वेज भी नॉन वेज भी, बिरयानी या जो भी शौकीन है खाने पीने के, वो यहाँ पे आके खाना टेस्ट कर सकते हैं। तो फिलहाल हम चलते हैं नीचे। तो दोस्तों, आज है 7 मई, और देखिए नैनीताल में थोड़ा बहुत सीज़न शुरू हो चुका है, तो आज यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा भीड़ नज़र आ रही है। और ये देखिए सामने ये वाले जो पेड़ हैं, पांगड़ के पेड़, कितने सुंदर सुंदर फूल खिले हैं उसमें। तो पूरा पेड़ फूलों से भरा हुआ है, और आज फ्लैट्स लोगों से भरा हुआ है, तो काफ़ी सारे लोग यहाँ पे फोटोग्राफी करते हुए दिखाई दे रहे हैं। मौसम भी बहुत ही अच्छा हो रहा है। तो दोस्तों, मैं आई हूँ भी अनमोल की शॉप पे, तो थोड़ा सा बिजी हो रहा है, पीछे वो दिखाई भी नहीं दे रहा। हाँ, तो थोड़ा कस्टमर्स खड़े हैं अभी, उससे बात करते हैं थोड़ी देर में। तो हमेशा दुकान से गायब भी दिखता है ये, आज इसको काम करते हुए भी देख लीजिए, काम भी करता है कभी कभी। तो ये झूठ है, फरेब है, ये अक्सर काम करता है, ये अक्सर दुकान से गायब रहता है एक्चुअली। तो फिलहाल अभी काम कर रहा है, तो अभी थोड़ा सा काम निपटा ले, उसके बाद बात करते हैं इससे। मोल को वीडियो में लेना चाह रही थी मैं, इसलिए मैं रुक गई थी, क्योंकि इसकी बड़ी डिमांड आती है वीडियोस में। थैंक यू। फालतू में आती है वैसे तो, पर अब आती है तो क्या करें, इसको ले ही लेते हैं वीडियो में। प्यार करते हैं, मुझे अच्छा लगता है। थैंक यू। आप लोग मिलने भी आते हैं कितने, बहुत अच्छा लगता है। आपको नहीं बताता, वैसे भी इसको कुछ याद नहीं रहता, लक्कड़ प्रवृत्ति का है ये। बादाम खा रहा है आजकल, याद आता है। बादाम खा के भी तुझे याद नहीं रहेगा, तू टेंशन मत ले, कुछ नहीं होने वाला तेरा। तो चलिए फिर, अनमोल से मिल लिए हैं और अब हम निकलते हैं वॉक के लिए। कुछ कहना चाहेंगे अनमोल?
वॉक करो, तंदुरुस्त रहो। तंदुरुस्त तो मैं हो जाऊंगी, ये मेरे को डांटता है क्योंकि फिर वीडियो नहीं बनाती हूँ। वीडियो बीच बीच में इनके गायब हो जाते हैं, बड़ा गंदा सा लगता है। तो प्लीज कंटिन्यू, लोगों को भी अच्छा लगता है। आप लोग भी डांटिए, जम के डांटिए। चल ओके, लेक्चर बहुत हो गए आपके, बाय बाय। मैं आ गई हूँ मंदिर की तरफ और दर्शन कर लेते हैं मंदिर के। काफी भीड़ भाड़ है मंदिर में आज, तो अभी अभी आरती समाप्त हुई है मंदिर में, तो बड़ी भीड़ हो रही है। देखिए चलिए अब निकलते हैं आगे की तरफ। सामने देखिए मकानों की लाइट्स जो पहाड़ों में होती हैं, बड़ी सुंदर सुंदर सी देखती हैं। काफ़ी लोग इनकी फ़ोटोज़ खींचते हुए नज़र आते हैं, तो हमारे लिए रोज़ का नज़ारा है इसलिए हमको ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन जो लोग बाहर से आते हैं उनको बड़ा अच्छा लगता है देख के। तो कुछ इस तरह की भीड़ भाड़ है। तो उधर वाली मार्केट है टिबेटन मार्केट, और इधर वाली मार्केट है भूटिया मार्केट, और मेरे ठीक सामने है वांगदी आर्ट्स। तो यहाँ पे बड़ा ही अच्छा और यूनिक सा बिल्कुल सामान मिलता है। ऐसा सामान आपको पूरे नैनीताल में कहीं और नहीं मिलेगा जो चीज़ यहाँ पे मिलती है। आगे है ज़बरदस्त भीड़, और भीड़ को चीरते हुए यहाँ से निकलना है। तो चलिए कोई बात नहीं, निकलते हैं, भीड़ को पार करते हैं यहाँ से। तो ऐसे यहाँ से देखिए पार करके कूद काद के लोग यहाँ से अंदर बाहर करते हैं, क्योंकि इसके गेट्स हमेशा बंद रहते हैं चिल्ड्रन पार्क के, तो लोगों को कूद फांद के जाना पड़ता है अंदर बाहर करने के लिए। तो इसको बनाने का मेरे को औचित्य समझ नहीं आता है कि चिल्ड्रन पार्क बना तो है लेकिन खुलता कभी नहीं है, तो बनाना ही बेकार है वैसे तो, ये यूज़लेस जगह है बिल्कुल। तो कुछ इस तरह की चल रही है भीड़ भाड़ यहाँ पे, तो बड़े ही असभ्य लोग आते हैं यार, गाली वाली बकते रहते हैं बगल से, तो बड़ा ध्यान देना पड़ता है। वीडियो में भी कई बार ऐसा होता है कि अगल बगल से जो लोग जाते हैं वो गाली देते हुए जाते हैं, तो उनकी गालियाँ रिकॉर्ड हो जाती हैं, फिर वो पार्ट काटना पड़ जाता है, तो अच्छा नहीं लगता। थोड़ा सा लोगों को इतनी समझ होनी चाहिए कि पब्लिक एरिया में इस तरह के शब्द प्रयोग ना करें। तो मेरी सबसे यही रिक्वेस्ट है कि जो लोग भी पब्लिक एरिया में घूम रहे हैं वो ऐसे शब्दों से थोड़ा सा परहेज़ करें, क्योंकि सभी तरह के लोग घूमते हैं, महिलाएं भी हैं बच्चे भी हैं, तो अच्छा नहीं लगता। चलिए फ़िलहाल चलते हैं वापस मार्केट की ओर। तो एक्चुअल नैनीताल में जो सीज़न है वो फाइनली शुरू हो चुका है मुझे लग रहा है, क्योंकि काफ़ी भीड़ भाड़ है। तो चलिए दोस्तों आज का वीडियो करते हैं एंड, और एंड करने से पहले हमेशा की तरह यही रिक्वेस्ट है कि कूड़े को हमेशा कूड़ेदान में डालिए, इधर उधर ना फैलाइए। तो जहाँ तक आपको डस्टबिन ना मिले वहाँ तक कूड़ा अपने साथ कैरी कर लीजिए, लेकिन इधर उधर ना फैलाइए। तो चलिए करते हैं वीडियो को एंड और मिलते हैं नए वीडियो में, बाय बाय।